तो दोस्तों Xiaomi ने रिसेंटली में Redmi सीरीज के अंदर कुछ स्मार्टफोन को लॉन्च किया है और अब Xiaomi लॉन्च करने वाला है MIA सीरीज के अंदर MIA 4 स्मार्टफोन को, जहां पर दोस्तों इसकी ऑल स्पेक्स रिवील हो चुकी हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि इसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 730G का SoC देखने को मिलेगा और इसी के साथ आपको 32 मेगापिक्सल का पॉप अप सेल्फी कैमरा एंड 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप भी मिलने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी से, तो इसके अंदर आपको मिलेगा ग्लास बैक जो कि ग्लॉस ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ आएगा और इसी के साथ आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप भी मिलने वाला है। और अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में, तो इसके अंदर आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस एक सुपर एमुलेट पैनल देखने को मिलेगा जो कि फुल व्यू डिस्प्ले पैनल होगा, जिसके अंदर आपको सेल्फी के लिए पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड फेस अनलॉक जैसे फीचर तो मिलेंगे ही, और इसमें आपको बैक और फ्रंट दोनों साइड में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिलने वाला है। और अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 730G का पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, यानी कि ये स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन होगा। और बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसके अंदर आपको मिलेगा Android 10 का सपोर्ट जो कि स्टॉक एंड्रॉयड पर बेस्ड होगा। और दोस्तों इसके अंदर आपको LPDDR4X रैम विद UFS 2.1 स्टोरेज का सपोर्ट भी मिल सकता है। और अब बात करते हैं इसके कैमराज के बारे में, तो इसके अंदर आपको रियर साइड में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसका प्राइमरी सेंसर होगा 64 मेगापिक्सल का, जिसमें सोनी का IMX686 का सेंसर यूज किया गया है और इसी के साथ आपको एक अल्ट्रावाइड एंगल लेंस, टेलीपोर्ट टू लेंस एंड डेप्थ सेंसिंग सेंसर देखने को मिलेंगे। वहीं पर फ्रंट साइड में आपको सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और वहीं पर बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में, तो इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी जो कि 30 वाट के सुपर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और इन द बॉक्स आपको 30 वाट का फास्ट चार्जर भी मिलने वाला है और इसके अंदर आपको 3.5 mm ऑडियो जैक एंड टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट भी मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में, तो दोस्तों इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस होने वाली है इंडिया के अंदर अप्रॉक्स 14-15,000 रुपीज, 14 से 15,000 रुपये के अंदर ये इंडिया में लॉन्च होगा। लेकिन फिलहाल तो कोरोना वायरस की वजह से ये स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये अप्रैल मंथ के लास्ट या फिर मई मंथ के फर्स्ट वीक में लॉन्च होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।